राजस्थान में पिछले दो लोकसभा चुनाव में जीत का खाता भी नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक को रोकना जरूरी है, यानी तीसरी बार 25-0 के आंकड़े को रोकना होगा। इसी मंशा से कांग्रेस ने ऐसे नेताओं की तलाश शुरू की जो लोकप्रिय होने के साथ अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव रखने वाले भी थे। भले ही वो नेता कांग्रेस के न हो, लेकिन जिताऊ नेता की तलाश करके चिन्हित करने के बाद उस नेता को अपने पाले में लाने की कोशिश की गई। कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और जो कांग्रेस में नहीं आ पाए उन नेताओं की पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस की रणनीति कुछ हद तक कारगर साबित होती दिखाई दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 25-0 के स्कोर को बदल सकती है। जीत के नए फॉर्मूले पर कार्य करते हुए कांग्रेस ने यह भी ध्यान रखा था कि जो प्रभावशाली नेता बीजेपी से नाराज हैं उन्हें कांग्रेस में लाकर चुनावी मैदान में उतारा जाए। चूरू और कोटा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने ऐसा ही किया। चूरू में बीजेपी के लगातार दो बार सांसद रहे राहुल कसवा का जब बीजेपी ने टिकट काटा तो उनका नाराज होना स्वाभाविक था। कांग्रेस मौके की तलाश में थी। कांग्रेस ने राहुल कसवा से संपर्क किया, पार्टी में आने का ऑफर दिया। चूरू से लोकसभा टिकट की शर्त पर राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए। कोटा में भी ऐसे ही समीकरण बने थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल लोकसभा टिकट की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने गुंजल से संपर्क किया। टिकट की शर्त पर गुंजल भी कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने कसवा और गुंजल दोनों को लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। जीत का गणित बैठाने के लिए कांग्रेस की नजर अन्य दलों के नेताओं पर भी है। बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने बाड़मेर के उभरते नेता उमेदाराम बेनीवाल को साधने की कोशिश की। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले उमेदाराम बेनीवाल ने दो बार बायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव में मामूली वोटों से हारे। ऐसे नेता को कांग्रेस अपने साथ लाना चाहती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उमेदाराम से संपर्क किया और बाड़मेर से लोकसभा चुनाव का टिकट ऑफर करते हुए पार्टी में आने का निमंत्रण दिया। उमेदाराम ने कांग्रेस ज्वाइन की, पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया। बीजेपी की जीत की हैट्रिक रोकने के लिए कांग्रेस ने इस बार हर दांव खेला है। अन्य दलों के जो नेता पार्टी में नहीं आ सकते थे उन नेताओं की पार्टियों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन करने की कोशिश की। सीकर में कांग्रेस ने माकपा के साथ गठबंधन किया। माकपा ने अमरा राम को चुनाव मैदान में उतारा। जब अमरा राम ने नामांकन दाखिल किया तो नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उधर नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी को टक्कर देने के लिए हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस नेताओं को हमेशा भला बुरा कहते रहे, लेकिन बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने आरएलपी से हाथ मिला लिया है। कांग्रेस की इस रणनीति के बाद पार्टी को उम्मीद जगी है कि वो बीजेपी की हैट्रिक को रोकने में कामयाब रहेगी। हालांकि कांग्रेस जानती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर उनकी स्थिति केवल कमजोर ही नहीं बल्कि दयनीय भी है, लेकिन कुछ सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस के नेता लगातार पूरा जोर लगा रहे हैं। अब 4 जून को पता चलेगा कि कांग्रेस की यह रणनीति आखिर कितनी कारगर रही। राजस्थान में बीजेपी की रणनीति की भी बात करते हैं। बीजेपी ने 11 सांसदों के टिकट काटे, 56% सीटों पर 14 नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे। अलवर से भूपेंद्र यादव को टिकट, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत प्रत्याशी, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी और बाड़मेर से कैलाश चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी मैदान में हैं। तो राजस्थान के रण में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत लगा रही है कि दो बार जो बीजेपी की हैट्रिक रही है उस हैट्रिक को रोका जाए, 25-0 के आंकड़े को बदला जाए और उसके लिए कांग्रेस एक अलग रणनीति पर इस बार काम कर रही है। दूसरी पार्टियों से मजबूत दावेदारों को अपनी पार्टी में उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने और जहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी वहां पर साथी दलों से गठबंधन किया। चाहे माकपा की बात की जाए, चाहे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की बात की जाए, कांग्रेस ने कुछ सीटों के लिए गठबंधन करने से भी परहेज नहीं किया है। मसलन नागौर में हनुमान बेनीवाल का साथ लिया गया, माकपा का साथ दिया गया अमरा राम के लिए और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टी के भी नेताओं को अपनी पार्टी में जगह दी है। चूरू से राहुल कसवा जब पार्टी बीजेपी से नाराज हुए टिकट कटने से तो राहुल कसवा को कांग्रेस ने टिकट दिया। इसी तरह से प्रहलाद गुंजल का भी नाम है जहां कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है।
में बीजेपी ने भी टक्कर दिया है। कांग्रेस से आए महेंद्रजीत सिंह को टिकट दिया गया। मालवी को बांसवाड़ा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे और कांग्रेस से बीजेपी कांग्रेस में गए। राहुल कस्वा को कांग्रेस ने भी टिकट दिया है। चूरू से उनको कैंडिडेट बनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या 25 जीरो का जो दो बार का आंकड़ा है 14 और 19 का, उसको बीजेपी हैट्रिक लगाएगी 24 में, या कांग्रेस इस विजय रथ को रोकने में कामयाब होगी। आरएलपी से शामिल उमेदाराम बेनीवाल को बाड़मेर से कांग्रेस ने टिकट दिया कैलाश चौधरी के खिलाफ। हालांकि रविंद्र भाटी भी वहाँ उम्मीदवार हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं और बाड़मेर की लड़ाई भी दिलचस्प हो गई है। मसलन राजस्थान के 25 सीटों का ये रण अलग अलग मायनों में बेहद खास है। पिछले चुनाव का आंकड़ा अगर आप देखें 2019-2014 का आंकड़ा और वोट परसेंटेज भी किस तरह से रहा, 2019 में 24 की 24 सीटें बीजेपी ने जीती, बीजेपी का वोट शेयर 59% रहा। 2014 में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज 55% से ज़्यादा रहा। दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। हालांकि 2019 में एक सीट नागौर की हनुमान बेनीवाल ने जीता था। आरएलपी उस समय बीजेपी के साथ एनडीए में थी, गठबंधन में थी, लेकिन अब बेनीवाल अलग हो गए हैं। यानी दोनों ही चुनाव में कांग्रेस शून्य तक सिमटी। 2004 के चुनाव में हालांकि स्थिति अलग थी, कांग्रेस 20 सीटों पर जीत पाई थी और 4 सीटों तक बीजेपी सिमट गई थी। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी तब काफी बेहतर था। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। अदिति, क्या रणनीति कांग्रेस की दिख रही है बीजेपी के इस विजय रथ को रोकने के लिए, बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए राजस्थान में? जो मुकाबला दो बार से चला आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर में हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, दिखती भी है। उत्तर में हम उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों की बात करते हैं और ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस को सभी से गठबंधन करना पड़ा पूरे देश में जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सकें, तो आज राजस्थान का जिस तरीके से आपने बखूबी इसको समझाया उसको समझ लेते हैं। राजस्थान में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जाहिर तौर पे उससे माहौल है, वजह है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दौरे किए, यहाँ तक कि वो वहाँ पर रहे भी, जिसका इम्पैक्ट भी है, डबल इंजन सरकार की बात भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनकी नीतियाँ भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस बार जब हम जमीन पर गए तो हमने देखा कि प्रत्याशियों के चयन में अगर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी उन्नीस रही है तो कांग्रेस ने थोड़ा सा प्रत्याशियों को बेहतर उतार दिया है जातीय समीकरण के लिहाज से। अब देखिए 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने मुकाबला अच्छा खड़ा कर लिया है। आपने राहुल कस्वा का जिक्र किया जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से सांसद रहे, जिनका परिवार 1999-90 से ही लगातार चुनाव में उतरा, वो इस बार उनकी टिकट कटी तो वो कांग्रेस के पाले में चले गए, वहां पर उनके परिवार का दबदबा है। तो चूरू एक ऐसी सीट है और जहां पे देवेंद्र झाझड़िया है और नरेंद्र मोदी ने इस बार इस सीट पर खतरा मंडराते हुए नजर आने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और उन्होंने मन से कहा कि देवेंद्र को टिकट मैं देना चाहता था। देवेंद्र को टिकट इसलिए दी क्योंकि एक माँ का सपना पूरा होना चाहिए, गरीब माँ का सपना पूरा होना चाहिए, तो पूरा का पूरा मसला उन्होंने या तो राष्ट्रवाद या एक गरीब माँ पर कर दिया और पूरी जिम्मेदारी खुद ली, जिसका मतलब कि देवेंद्र का वोट मैं मांग रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी के तरीके से चुनाव प्रचार में अपना दमखम कर रही है। उसके साथ साथ जब शुरुआत में माना जा रहा था कि 25 की 25 सीटें होंगी, उस समय ये कहा गया, उसके बाद से अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं को कांग्रेस से भाजपा में शामिल किया गया कैसे, और मैं उम्मीद करती हूँ आयुष आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अदिति, मैं सुन पा रहा हूँ आपको क्लियर। तो उस तरीके से जैसे सबसे पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेना और उसके बाद से आज भी दिया कुमारी के सामने जो व्यक्ति थे उनको पार्टी में लिया गया, जबकि दिया कुमारी के सामने वो चुनाव लड़े कांग्रेस से, वो पूर्व कोषाध्यक्ष माने जाते थे। इसलिए ये कहना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे 25 की 25 सीटें जीतना चाहती है और कांग्रेस इस बार नागौर में हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस किया, जबकि पिछली बार हनुमान बेनीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी थी और जो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रही है वो कांग्रेस में था। तो हर सीट पे कांग्रेस से मुकाबला खड़ा कर लिया। मैं सीटों के नाम आपको बता देती हूँ जल्द से। जी जी
अदिति संक्षेप में बिल्कुल सीटों का नाम बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए जैसे 7 सीटें अगर बात करें तो चूरू है, झुंझुनू अभी भी बहुत ज्यादा मुसीबत की सीट है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो सीकर है, इसके साथ साथ बाड़मेर बहुत मुश्किल में है, इसके साथ साथ टोंक सवाई माधोपुर की बात करें वो दिक्कत में है, भरतपुर भी बहुत टक्कर है, जोधपुर कोटा ऐसी सीटें हैं जहां पर भी काफी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जैसे नागौर में बाहर से आरएलपी लड़े हैं, वैसे ही सीकर में अगर अमरा राम लड़ रहे हैं लेफ्ट के हैं, तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे मुकाबला रोचक हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चिंतित झुंझुनू के लिए है और टोंक सवाई माधोपुर के लिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमने बाकी सीटों पर दूसरे नेताओं को लाकर नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार करके बेहतर प्रदर्शन कर दिया है और इस बार 25 की 25 सीटें जीतना चाहती है। कांग्रेस उन्हीं आंकड़ों को कम करना चाह रही है। तमाम सीटों का समीकरण समझाने के लिए अदिति आपका बहुत शुक्रिया।